press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वसुंधरा राजे सरकार भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में देश भर में अव्वल है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछले 4 साल में 3 IPS अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। उधर विधायक आहूजा ने अलवर SP पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री ने आहूजा के सवाल पर सदन को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले 4 सालों में पुलिस विभाग के कुल 200 अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज 275 मामलों में से 155 में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि 114 मामले जाँच की विभिन्न प्रक्रिया में लंबित है। उन्होंने सदन को बताया कि 275 मामलों में से 171 मामलों में गिरफ्तारियां भी की गई। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन को बताया कि अब तक 47 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दिलाई जा चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त सिर्फ 18 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सजा दिलाई गई। लेकिन इस बीच गृह मंत्री के जवाब देने के दौरान भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा विधायक खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो गई है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसी बीच गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सदन में किसी के खिलाफ आरोप लगा देने से वह किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी के खिलाफ शिकायत है तो पहले उसके खिलाफ कोई शिकायत करे और जांच और तथ्यों के आधार पर ही गृह विभाग किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेगा।